नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर कि एक बार वीपीओ के कंप्यूटर के बारे में आप बता दीजिए कि क्या कैसा रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जो 15 क्वेश्चंस आपके अब यूपी ट्रिपल एससी ने मैक्सिमम एग्जाम में अब देखा गया है कि आपका यूपी के साथ साथ अब कंप्यूटर को भी इंक्लूड कर दिया है, और उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, जो सिलेबस है वो आपका बहुत ही, जो लिखा गया है सिलेबस में वो बहुत अच्छा खासा सिलेबस है, वो 15 क्वेश्चन बोला है लेकिन उससे 50 क्वेश्चन तक फ्रेम हो सकते हैं। तो एक ये रहता है दुविधा कि इस इतने सिलेबस में हम क्या पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको कंप्यूटर का कि बताऊँगा और कहाँ से पढ़ना है वो भी सब मैं डिस्कस करूँगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे वीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो टीम परीक्षा प्लस के द्वारा वीपीओ का कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां से आप जोड़ सकते हैं वीपीओ के कोर्स से, या live.parikshaplus.org ओपन करिए, आप वहां से 588 का ये पूरा कोर्स है। इसमें आपको वीडियो क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में स्टडी मटेरियल मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और डाउट सेशन और वैलिडिटी इसका टिल एग्जामिनेशन तक होगा। कुछ बच्चों का, जिन बच्चों को हो सकता है कई बच्चे जॉब में हैं और उसके बाद भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी बोले हैं कि सर हमें भी हमारे लिए वीडियो देखना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए एक स्पेशल बैच उनके कहने पर निकाला गया है। वो बैच जो है आपका पीडीएफ प्लस नोट्स का बैच है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपका पीडीएफ और नोट्स है, और ये मात्र इस पीडीएफ नोट्स में है और प्लस इसी के साथ आपकी टेस्ट सीरीज है। इस बैच में आपका सेक्शनल टेस्ट है, लेकिन जो ये बैच आपका अलग से एक निकाला गया है, इसमें आपका पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज है, और ये आपका मात्र 299 प्लस जीएसटी पे है, ऑलमोस्ट आपका 350 के अप्रॉक्स में पड़ेगा ये, ठीक है। तो जिनको आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज वाइज लेना है आप यहां से ले सकते हैं, पूरे सभी जितने भी टॉपिक दिए गए उनके संपूर्ण नोट्स आपको दिए जाएंगे, आपके कंप्यूटर भी रहेगा, जितना भी आपका पंचायत से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उन सभी के नोट्स पूरे विस्तृत रहेंगे, और टेस्ट सीरीज आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगा। तो जिनको तैयारी करना है वो परीक्षा प्लस एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे कोर्स का जो कंप्यूटर का सिलेबस है इसको कितना पढ़ा जाए और क्या सोर्स होना चाहिए, क्या किताबें होनी चाहिए, किससे आपके सिलेबस मिल सकता है, जो मार्केट में अवेलेबल बुक है क्या वहां से सिलेबस कवर हो पाएगा, चलिए उस पर भी हम डिस्कशन कर देंगे, जो बच्चे काफी बुक पढ़ते हैं। तो पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो सिलेबस आपके सामने दिया गया है, हिंदी में ही लाया है, मैक्सिमम बच्चे हिंदी भाषी हैं। तो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यहां पे जो कंप्यूटर सूचना और तकनीक है मतलब बेसिक फंडामेंटल आपके कंप्यूटर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, यहां का इस मतलब हिस्ट्री और जनरेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री जनरेशन आप कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो हिस्ट्री जनरेशन आपको पढ़ना ही है पढ़ना है। अब रही बात कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चंस बनता है और आपसे जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सा बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपसे पूछ दे इन निम्नलिखित सॉफ्टवेयरों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद से आपका वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, ईमेल हो गया, सोशल नेटवर्किंग। अब देखिए जब सॉफ्टवेयर बोला है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला है, स्प्रेडशीट बोला है, ठीक है, तो यहां पे एक्सेल का बात किया है, अभी वर्ड की बात नहीं की है, तो जो बोला है उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो यहां से भी प्रश्न, अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था आपका ऑलमोस्ट 27 अगस्त के अप्रोक्स में, जो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग था, इसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो यहां जो टॉपिक दिया है ये भी पूछा था सोशल नेटवर्किंग में, हैशटैग जो लगाते हैं हम लोग ये किस लिए लगाते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन एक्सेल से पूछा था, स्प्रेडशीट बोला है तो एक्सेल से पूछ दिया था, इनमें से कौन सा कमांड क्लीनिंग के लिए होता है, डिलीट करने के लिए होता है, ये ध्यान रखें। अभी मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे जैसे टॉपिक है वैसे वैसे प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब यहां बोला है ई गवर्नेंस की जानकारी, अब बोलोगे सर क्या वर्ड नहीं पूछेगा, अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, वर्ड कहीं जिक्र तो किया नहीं लेकिन सॉफ्टवेयर जिक्र किया गया है।
अब यहां पर देखिए ई गवर्नेंस की जानकारी, इससे भी क्वेश्चन, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा का पूरा ये इंटरनेट हो गया, इंटरनेट में ही नेटवर्क भी कह सकते हो, आएगा आपसे, ठीक है। तो इंटरनेट आपको पढ़ना है, पूरा इंटरनेट और कॉमन सा आपको कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हो, ठीक है। WWW का परिचय जो है, टॉपिक दिया इसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि WWW के आपके, अगर हम बात करें कि इन्वेंटर कौन है वर्ल्ड वाइड वेब के, इसी से प्रश्न पूछ लिया था। भविष्य में कौशल और साइबर सुरक्षा, यहां से भी प्रश्न पूछा। जितने टॉपिक आपके कॉमा के बाद दिख रहे हैं 15 क्वेश्चन आपका आराम से यहां से पूछ लेगा, बस आपका पूछ लेगा कि साइबर सुरक्षा में जितने अटैक होते हैं, मतलब साइबर अटैक होते हैं, वायरस अटैक हो गया, वॉर्म अटैक हो गया, इन सब अटैक अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उससे पूछा था, DDoS अटैक के बारे में पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पे अवलोकन वर्ड प्रोसेसिंग आ गया ना, अब कहोगे सर जी वर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्प्रेडशीट दिया है, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग दिया है, तो यही आपका MS वर्ड है। तो पढ़ना आपको सब कुछ है, MS वर्ड भी पढ़ लेना, एक्सेल भी पढ़ना है और आपको पावर पॉइंट भी पढ़ना है। कंप्यूटर और सूचना में प्रौद्योगिक क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, जो नए नए एक तरह से बोल सकते हो कि इन्वेंट हो रहे हैं, तो करंट की जानकारी, सुपर कंप्यूटर कौन सा इस समय सबसे तेज है, किस देश का है, इस प्रकार की चीजें आपको ये वाला पोर्शन बताएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एकदम नया अगर मैं बात करूं, ये मैक्सिमम चीजें आपको किसी भी मार्केट किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। ऊपर के ये जितने पार्ट हैं, आप चाहे वो लूसेंट पढ़ लो, अरिहंत पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इतना पार्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने कई किताबें देखा है, कई किताबों का मैं नाम नहीं लूंगा, कई हैं परीक्षा मंथन है और भी कई सी है, जो उसमें दिया गया है वो आपको, अगर हम बात करें कि वर्ड आपको 2010 या 2007 के ऊपर पढ़ना है, तो आपको वो पढ़ा रहा है 2000 वर्ड XP पढ़ा रहा है, 2003 पढ़ा रहा है, तो उससे क्वेश्चन थोड़ी आएगा। किताबें क्या होती हैं, बस एडिशन बदलता है और कुछ उसमें चेंजेस नहीं होती हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। वो हमेशा कवर चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट अंदर होता है वो हूबहू वही पुराना जो छपता आ रहा है वही छाप देते हैं, इसीलिए जो नया चीजें आपकी टॉपिक में शामिल होता है वो कभी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं कि जो कंटेंट है वो आप एज ए सिलेबस आपको दिया जाए, तो उस सिलेबस में आपको पूरा जितना आपका टॉपिक दिया है, ये चीजें तो भाई देखो जनरल सा किसी भी किताब में जाओगे, मैंने बोला हूं कि मेरा नोट्स ले लो, जो भी किताब आप पढ़ोगे ये सब किताब में दिया जाता है, A to Z जितनी भी कंप्यूटर अवेयरनेस की किताब आती है ये आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहां पे आओगे, ये टॉपिक यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये भी देखो जो तकनीकी वाला है, कंप्यूटर सूचना और तकनीकी, ये नहीं मिलेगा, है ना, बाकी मिल सकता है, लेकिन यहां से यूनिट अगर हम बात करें, यहां से आपको नहीं मिलेगा जो करंट की चीजें हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, क्योंकि ये नया डाला गया है आपके सिलेबस में, इंटेलिजेंस हो गया आर्टिफिशियल। अब बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है, बिग डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीप लर्निंग मशीन, ये भी डीप, ये सब आर्टिफिशियल के ही पार्ट है, यहां से पूछ दिया से आपसे K-MIP एल्गोरिथम क्या होता है, तो जब आप पढ़े रहोगे तभी तो जान पाओगे कि K-MIP एल्गोरिथम एक तरह से क्या है, डीप लर्निंग मशीन का पार्ट होता है, उसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है उसकी प्रोग्रामिंग करने में, तो ये इंटरनेट विंस ये सब होता है, आधारित क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, तो ये पार्ट आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। हम आपको जो नोट्स देंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स देंगे और कैसे आपके क्वेश्चंस पूछा है वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, आपको नहीं विश्वास हो रहा है, तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है जो अभी ऑलमोस्ट अगस्त में हुआ था, तो उसमें आपके क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग से, कहीं भी जिक्र के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपसे यहां पर बात किया गया है और साफ साफ बोला है कि कंटेंट तालिका बनाने के लिए सक्षम है। क्वेश्चन बहुत ही एक तरह से बोला या घुमाऊ है, लेकिन ऑप्शन आपका बहुत आसान दिया गया, आपको अगर दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस इसका कम करूंगा, तो यहां पर साफ सीधी बात अगर बात करें हम आपसे, तो यहां ध्यान रखिएगा हाइपरलिंक्स, स्टाइल्स, स्पेलिंग, आप अगर थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज अब वर्ड का रखते होगे तो हाइपरलिंक का काम दूसरा होता है, हाइपर टेक्स्ट में लिंक लगाने का काम होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये आपका स्पेलिंग एरर आता है उसके लिए होता है, और यहां पर बात किया जा रहा है दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका जो होती है, टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है उसको आप अगर करना है तो क्या होगा, यहां पर आपका स्टाइल काम आता है, ना कि मेल मर्जर मेलिंग करने के लिए होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक अलग होता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही आपका ये इंग्लिश में बोला गया है,
यहां बोला ये आपका देखो हिस्ट्री और जनरेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, हिस्ट्री और जनरेशन से क्वेश्चन पूछ लिया कि पहला कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा था, तो इनमें से आप कैलकुलेटर गैलीलियो ऑर्पेट ये ऑप्शन ही नहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। पास्कलिन जो बेस पास्कल ने बनाया था अपने पिता के, इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है। तो ये सब मैं अपने नोट्स में आपको कराया हूं और इसके क्वेश्चन भी बार बार मैं बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूं कंप्यूटर, तो आप देख सकते हो कई सारे मैं वीपीओ की क्लास भी एमसीक्यू फॉर्म में ले रहा हूं। रोज आपकी क्लास होती है वीपीओ की, आप जाके देख सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अब अगर बात करें हम यहां पर देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट, देखो एक्सेल की बात आ गया ना, एक्सेल की बात पूछ रहा है, एक्सेल में कौन सा यूज होता है, नेस्टेड इफ, ये इफ लग गया तो इफ ऑपरेटर है, ये सब इफ ऑपरेटर है। और यहां बात किया है रिमूव करने की, तो रिमूव कभी इफ नहीं करता है, इफ जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर है, तो रिमूव करने का काम क्लीनिंग का हो जाएगा। जनरली आप अगर आप नहीं पढ़े हो तो इस पेपर को बहुत आसान से करके आए होते, ठीक है। अब यहां पर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि जो एआई वाला आपका पार्ट है ना वहां से क्वेश्चन पूछा है, एआई वाले पार्ट से पूछा है। ये क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, ये क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसको बोला जाता है। ये के मींस एल्गोरिथम होता है, ये एआई एल्गोरिथम होता है, आपके जो मशीन लर्निंग होती है ना उससे रिलेटेड आपका होता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि आईओटी उपकरण क्या है, तो आईओटी में आप फाइबर ऑप्टिकल इथरनेट यूएसबी ये सब तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, वायरलेस कनेक्शन ही होगा, तो वायरलेस कनेक्शन किसका होता है, ब्लूटूथ का होता है, ये आसानी से कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत आसान था। अब अपाचे हुडबैक फ्रेमवर्क जो होता है, ये अपाचे जो फ्रेमवर्क होता है बेसिकली ये एक सर्वर होता है और ये जावा पे बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज से थोड़ा आ गया, तो ये थोड़ा एक टफ बोल सकते हो, इसको टफ था और एक हम कहें तो टफ ये था, दो क्वेश्चन आपके टफ थे। अगर आप जनरली अगर कंप्यूटर नहीं अच्छे से पढ़े हो तो यह भी आप नहीं कर पाओगे, यह भी क्वेश्चन आपका मैं बता दूं कैसा था, टफ ही क्वेश्चन था। अगर आप एआई नहीं जानते हो तो उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी नहीं जानोगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, उसमें लिप्स भी यूज होता है, प्रोलॉग और पाइथन भी यूज किया है। तो आपको पूरा लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक ये पढ़ना है कि वो उसमें जो भी आपके एल्गोरिथम है, जो भी डीप लर्निंग मशीन प्रोग्राम है, उनमें क्या क्या चीजें, जो एक तरह से बोला जाए कि मसाला क्या क्या होता है, क्या पड़ता है, वो फिर कैसे कार्य करता है, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस उसकी कंटेंट पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होती हैं। तो वही आपका यहां पर ये सब यूज होगा, बस पर्ल जो होता है ये लैंग्वेज आपका एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं यूज होता है। ऐसे पूछ दिया ईमेल सेवा संचालित की जाती किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी ईमेल सेवा है, ये कई बार UP 880 पूछ चुका है, लोअर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पर भी पूछा है, आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट की, आप देखते होंगे आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विसेज। साइबर अटैक से मैंने कहा, अगर आपने साइबर अटैक अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये DDoS अटैक होता है, तो आपको पूरे अटैक पढ़ने पड़ेंगे साइबर के अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अगले पर कि वर्ल्ड वाइड, ये एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम बात करें, अभी तक तीन ऐसे प्रश्न मिले हैं जो आपको थोड़े से उलझा सकते थे, बाकी एकदम आसान है, टीम बर्नर ली इसके इन्वेंशन होते हैं, बहुत ही रटा रटाया प्रश्न है। अब बोल दिया कि सोशल मीडिया में जो हम हैशटैग यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो बेसिकली सर्चिंग के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, आसान से सर्च करने के लिए कीवर्ड के यूज किया जाता है उसको, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि गवर्नेंस, देखो ई गवर्नेंस का टॉपिक था ना, जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे क्वेश्चन करोगे। तो UP 880 की एक खासियत है कि जितने भी टॉपिक सिलेबस में रहता है उन सभी से प्रश्न ये बनाता है। तो यहां से आप डिजिटल सिग्नेचर, आप जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसका एक तरह से बोला प्रोटेक्शन किस हिसाब से करते हैं, तो हम डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से करते हैं। अब यहां पे ईमेल एड्रेस से क्वेश्चन पूछ दिया क्योंकि ये भी पार्ट आपका है इंटरनेट एंड WW वाला पार्ट है। तो यहां बोल दिया कि जो यूजर एड्रेस होता है और जो डोमेन एड्रेस होता है किस सिंबल से दोनों को सेपरेट किया जाता है, तो @ सिंबल से सेपरेट किया जाता है। तो ये जनरल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब अगर हम बात करें यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा कुछ बच्चे अगर नहीं जानते होंगे तो कुछ और मार के आएंगे, थोड़ा बोल सकते हो मॉडरेट लेवल, अगर आपने पढ़ा नहीं है। बोला है कि कंप्यूटर में सीपीयू लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं, तो स्विच में इसका मतलब बिट्स मत मार देना, स्विच का मतलब होता है, स्विच किससे बनता है, स्विच आपका ट्रांजिस्टर से बनता है।
ठीक है, रजिस्टर मत मार देना, तो ट्रांजिस्टर यहां पर स्विच होगा। तो ये बेसिक सा नॉलेज जब आपको हम पढ़ाते हैं जनरेशन वाला, उसमें बताते हैं कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आ गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपसे बोला है कि कैसे आप डॉक्यूमेंट को वो करोगे तो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे, ये चीजें हैं आपका। अगला अगर हम बात करें तो यही आपके कुछ क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल आपके बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ और मॉडरेट लेवल में मिलेंगे, बाकी सब इजी रहता है। तो वही मैं बोला कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको पूरा पीडीएफ नोट्स, वीडियो क्लास और एमसीक्यूज क्लास मैं कंप्यूटर में आपको एकदम धुरंधर बना दूंगा। जो भी आपके 15 मार्क्स हैं, आप 15 में 13 प्लस करके आओगे, ये मेरा वादा है। कंप्यूटर में आपको नोट्स, देखो इसमें हम आपको नोट्स, वीडियो क्लास और एमसीक्यू की भरमार लगा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, उसमें से आपका मैक्सिमम, मैंने बताया कि 12-13 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नया टॉपिक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, और जो live.parikshaplus.org हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, और जो नीचे चल रहा नंबर है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।